नमस्कार, स्वागत है आपका केके न्यूज एक्स बिहार में। मैं हूं आपके साथ सोनी जायसवाल। नालंदा में फोरलेन सड़क निर्माण हेतु कई लोगों की जमीन और घर मुआवजा देने के आधार पर तोड़ दिया गया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से न मुआवजा दी गई और न ही उन लोगों पुनर्वास की व्यवस्था की गई। इससे गुस्साए महादलित परिवारों ने बिहार शरीफ राजगीर रोड को जाम कर दिया तथा आगजनी की। इस मौके पर महादलित परिवारों का एक ही मांग है, घर के बदले घर चाहिए। उधर पटना में जन संवाद कार्यक्रम के तहत पप्पू यादव ने मीडिया वाले के सामने खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो लालू और तेजस्वी यादव के साथ भी जाऊंगा, लेकिन जदयू भाजपा के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने क्या कुछ कहा? पांच आदमी की आरजेडी है, लालू से बात करेंगे, आप चिंता ना करिए। सर सबसे बात करेंगे, सबसे वर्तमान सरकार में जो है उनको छोड़ सबसे बात करेंगे। सर सबसे बात करेंगे, सर आरजेडी से भी बात करेंगे। चौड़ी नहीं है कि आरजेडी से बात नहीं करेंगे, उनसे भी करेंगे। मेरा साफ है, आरजेडी सरकार में रही है, चौड़ी नहीं है कि आरजेडी के मुख्यमंत्री पर हमारी सहमति हो। दल से बात करने में कोई आपत्ति नहीं, आरजेडी के मुख्यमंत्री पर सहमति पर कोई विचार नहीं है। पता भी आप नहीं खुलिएगा, गजब बात करते, समय आने दी। निश्चित रूप से शरद यादव जी बीमार है और शरद यादव को आप अपमानित करेंगे और नीतीश कुमार तीन बार बात कर लेगा। रेस्पेक्टेबल नेता है शरद यादव जी को, वहां नहीं मिले, यहां मिले, कहीं यहां गिरा वहां गिरा, रह नहीं सकते हैं। उनका रेस्पेक्ट नहीं हुआ आरजेडी में। आरजेडी में रेस्पेक्ट किसका होता है? मात्र पांच आदमी की आरजेडी है, लालू यादव जी को छोड़ दूं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।